या फिर भाई ये क्या तैयार हो रहा है, ये यखनी है, ये डिस्पोजेबल में तैयार हो रही है जो कस्टमर को। ये देखें आप लोग भी आए, देखिए देसी यखनी है, देसी मुर्गी तैयार होती है, ठीक है। साथ ये पोट है आप देख रहे हैं, ठीक है। पोट देसी नहीं है, देसी मुर्गी नहीं है, अंडा है साथ। तो ये यखनी प्योर देसी है, ठीक है। जो लेग पीस है वो भी देसी मुर्गा नहीं होता, यहाँ गर्दन भी देसी मुर्गी नहीं, जस्ट जिन्होंने जो यखनी तैयार की हुई है वो देसी मुर्गी है, ठीक है। और बड़ा बड़ी टेस्टी है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। आप लोग ज़रूर आए, इन्जॉय करें, ठीक है, खाएँ पिए, सर्दियों को इन्जॉय करें स्पेशली। और ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है, जो देसी मुर्गी तो जैसी यखनी होती है ना, ठीक है, इसके लिए लोग तरसते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे सियालकोट में अवेलेबल है, ठीक है, नियर रामाली चौक मेट्रो अभी बैंक के यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जान मोहम्मद है और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जो देसी यखनी बनती है सियालकोट में बहुत ही स्पेशल है, तो मैंने कहा सर्दियाँ शुरू हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसी एक वीडियो दिखाऊं कि आप लोगों को भी मज़ा आया और आप लोग यहाँ पर आए तो इन्जॉय करें, ठीक है। यहाँ पर मुर्ग की देसी यखनी, देसी जो मुर्ग है उसकी यखनी बनती है, बिल्कुल देसी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कैसर भाई, ये काम कर रहे हैं कितने अरसे से कर रहे हैं? और हमें यहाँ तकरीबन कोई 38 ईयर हो गया, 30 साल हो गया काम कर। अच्छा अच्छा, और गर्मियों में भी आप सरदाई वगैरह लगाते हैं? गर्मियों में हम सरदाई लगाते हैं, सर्दियों में हम यखनी सूप लगाते हैं, और रमजान में दाल के लड्डू लगाते हैं। सही हो गया। तो अभी यखनी के साथ आप क्या क्या कम्बिनेशन कर रहे हैं? हमें ये देसी मुर्गे की यखनी है, अंडा है, कोट है, गर्दन है, लेग पीस है, विंग्स है, चिकन है, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। तो आप मतलब 38 साल से ये काम कर रहे हैं, ये क्या बड़ा आपका नाम है यहाँ पर, काफ़ी सुना हुआ है? जी बिल्कुल, ऐसी बात है, ये मेरे वाले साहब लोग कहते हैं, उनको 38 साल हो गए लगाते हुए। तो ये यखनी बाकी देसी मुर्ग की है? हाँ, यखनी सारी देसी मुर्ग की है, और अंडा कोट गर्दन लेग पीस है, ये फॉर्मी होता है, ये जो ये सेपरेट होता है। अच्छा अच्छा, ये ब्रांडेड होता है। यखनी जो होती है वो यखनी सिर्फ देसी मुर्गी की होती है, वो सेपरेट से पकती है, और अंडा पोट करता लग भी ये सेपरेट से पकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमें 30 साल हो गया मैं लगाते हुए, और ये मेरे वाला साहब ये काम करते हैं और वो बनाते हैं, और मैं ये सेल करता हूँ। सौगात है, वो वहाँ पर आया हूँ, ठीक है। स्पेशल देसी मुर्गी यखनी है इनके, सब यहाँ पर होती है रेडी पे, ठीक है। कोई होटल नहीं है, ठीक है, बाहर मेन सड़क पर रेडी लगाई हुई, 2 से 3 रेडी हैं इनकी, ठीक है। इनका स्पेशल चिकन कॉर्न सूप भी है, उसके बाद चिकन जो है वेजिटेबल और चिकन सूप भी है इनका, और स्पेशली जो इनका यहाँ पर मैं खड़ा हूँ जिस रेडी में वो है, यहाँ की चिकन देसी चिकन का जो सूप है वो, साथ इनका गर्दनें होती हैं और पोट और अंडा होता है साथ। तो ये कस्टमर की डिमांड है कि वो यखनी के साथ क्या खाना पसंद करते हैं, गर्दन या पोट या फिर अंडा या फिर लेग पीस। तो भाई से मेरी भी बात हुई है, उन्होंने अपने हवाले से भी बताया, तो ये 38 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्पेशली गर्मियों में इनका और काम होता है, सर्दियों में ये स्पेशली जो देसी मुर्गी जो देसी यखनी है, ठीक है, वो तैयार करते हैं, और बड़ा टेस्ट है इनका, कस्टमर फीडबैक भी बड़ा अच्छा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं खाने पीने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी आएँ यहाँ पर और खाएँ।